राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है, कहा है कि अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं और निराश होने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं को संदेश दिया, अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं, सतर्क और चौकन्ना रहें, डरे नहीं, फर्जी एग्जिट पोल के दुष्प्रचार से निराश न हो। ये राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है, खुद पर और कांग्रेस पार्टी पर विश्वास रखें। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने कही है। योगेश कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। योगेश जी, आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके जो बात अब कही है, ये एग्जिट पोल्स में जो दिखाए गए नतीजे, उसके फौरन बाद उनको ये ट्वीट कर देना चाहिए था निराशा में? कम से कम ये 24 घंटे या उससे ज्यादा का वक्त जो बीता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, वो नहीं बीतता। सर गौरव जी बोल रहे हैं ना? जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, मुझे जो मैंने जो कल आपके चैनल पे बोली थी वो बात अप्रूव हो रही है। अपोजिशन अपना काम ढंग से नहीं कर पाई और रूलिंग पार्टी जो है वो भी 5 साल अपना काम ढंग से नहीं कर पाई। इनका मुझे नहीं पता एडवाइजर कौन है दोनों का, ये काम इनके नहीं हुआ करते हैं। ये जो ट्वीट वगैरह है आपको भी मालूम है, ये हैंडल कोई और करता है। इनका कोई भी जो एडवाइजर होगा वो ये हैंडल करता है, ये उसका काम था। और वो हाँ, ये जरूर है कि जो सीरियस मुद्दे होते हैं उन पर परमिशन जरूर लेते हैं कि जी मैं ये करना चाह रहा हूँ तो क्या पॉलिटिकली है ये ठीक रहेगा, तो वो परमिशन अपनी दे देते हैं। तो ये जो लेट लतीफी जो होती है इससे बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका होता है ऑलरेडी। और आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे ही नतीजे आए थे इन्हें इमीजिएटली कहना चाहिए था, जैसे प्रियंका जी ने इमीजिएटली बोल दिया। आपको ध्यान है प्रियंका जी ने भी बोला था कि आप चिंता ना करो, आप इन पे नतीजों का को आने दो। ऐसे ही राहुल जी का भी जो एडवाइजर था उसे खुद बोलना चाहिए था। प्रियंका जी ने तो अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके और अपने वर्कर्स को भेजी हुई है सबको कि आप चिंता मत करो, ये इन पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है, नतीजे आने दो। तो ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसमें मैं ये मान के चल रहा हूं बिल्कुल जो आपने कहा है ये इमीडिएटली आफ्टर जो भी हुआ वो कर देना चाहिए था इन्हें। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, ये कह रहे हैं। अभी तक पता क्या है, एक योगेश जी जो उनकी एक लाइन जो बहुत महत्वपूर्ण है ट्वीट में कि अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण है, सतर्क और चौकन्ना रहें, डरे नहीं, वो उसका रीजन है। उसका रीजन ये है जो वो भी हम कल बात कर रहे थे जी। देखो ये कहीं ना कहीं इनको डर तो है कि भाई ये ईवीएम बदल लेंगे, हैक तो नहीं हो सकती, वांदर होते हुए वो हैक नहीं हो सकती, ये हम भी टेक्निकली जानते हैं, ठीक है, पर ये बदल लेंगे, बदलने में उनको परेशानी ना हो, तो ये चीजें जो हैं ये इनका संदेह तो हर एक के दिमाग में है। और जैसे न्यूज आ रही हैं लोगों को, लोग जो है अपनी दूरबीन लेके बैठे हुए हैं कईयों के, अपने हर एक के। तो अब आप ये सोचो ना कि इनमें सिर्फ अपोजिशन के ही लोग क्यों बैठे हैं, बीजेपी के लोग क्यों नहीं बैठे हुए? क्योंकि बीजेपी को पता है उनके लिए काम करने के लिए तो सरकारी असला लगा हुआ है, अगर कुछ गड़बड़ होनी है तो उनके अगेंस्ट नहीं होनी, उनके लिए होनी है। तो उनका कोई आदमी कहीं नहीं मिलेगा, इन्हीं के लोग मिलेंगे, और ये 24 घंटे उसी का जिक्र कर रहे हैं। अभी 24 घंटे उन्होंने गलत कहा, फिर मैं बात बोल रहा हूँ, उन्हें बोलना चाहिए था 36 घंटे या 48 घंटे। उसका रीजन मैं बता देता हूँ अभी, हाँ उसका रीजन ये है कि अभी जब काउंटिंग शुरू होगी, अभी उसमें अब हम और आप जो बात कर रहे थे अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन का क्या जा रहा था, अगर जो अपोजिशन में ने एक डिमांड रखी कि जी जो 5 आप बूथ की जो काउंटिंग करेंगे वो बाद में करने की बजाय पहले कर लीजिए, उनका कुछ नहीं जा रहा था, लेकिन नहीं, उन्होंने इनको कोऑपरेट नहीं ही करना है। या एक बार और बताता हूं मैं आपको, लीगली आपने कोई काउंटिंग की और इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद अगर आपके 5 जहां पे भी या आपने उनको डिक्लेयर किया कि ये विधानसभा में 5 जो हमने चेक किए हैं ये वीवीपैट मैच नहीं कर रहे और यहां पे री इलेक्शन होगा, तो उसके लिए वो पार्टी कोर्ट में जा सकती है, चली जाएगी, एंड अल्टीमेटली फायदा उसको होगा जो जीता हुआ डिक्लेयर हो चुका है। तो ये चीजें, ये बेनिफिट देने के लिए, मैंने कल आपको कहा था, मान नहीं रहे थे शायद, कि ये नतीजों के लिए बीजेपी भी डरी हुई है, उनको भी डाउट है कि ये नतीजे नहीं आएंगे, इसीलिए वो भी अपनी एक्सरसाइज कर रही है। सारे लोग उन्होंने भी डिनर डिप्लोमेसी में सारे के सारे लोग बुला लिए हैं अपने, और मैं इस बात पे हैरान हूँ
कि मोदी जी अपने गुरु जी आडवाणी जी के पैर नहीं छूते और मोदी जी अकाली चीफ के पैर छूते हैं वहां पे। वो तो जरूरी है सर, क्या संदेश कुर्सी के लिए जरूरी है, कई बार करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका।